नमस्ते। हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे साथ दीप्ति जी हैं, और दीप्ति जी जो हैं वो फिनवेस्ट्री फर्म की फाउंडर हैं। दीप्ति जी, आज आपका के एपिसोड के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। दीप्ति जी, एक बात मैंने बड़ी कॉमनली सुनी है मेरे कई फ्रेंड्स से या फिर और भी कई लोगों से, बड़ा एक कॉमन टर्म है कि यार हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं बचता इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सही बात है एग्जैक्टली, तो उस चीज को कैसे हैंडल किया जाए? जी। मेरे पास भी काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, जो स्पेशली जो नए क्लाइंट्स रहते हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो तो ऐसा कोई नहीं बोलता है, क्योंकि उनका ओवरऑल मतलब मैनेजमेंट प्रॉपर है। तो जो न्यू क्लाइंट्स आते हैं वो जनरली ये बोलते हैं कि मैडम हमको करना है इन्वेस्ट लेकिन पैसा ही नहीं बचता है, या हमें ये फलाना इंश्योरेंस लेना है लेकिन प्रीमियम कैसे निकाले अरेंजमेंट ही नहीं हो पाता है टाइप ऑफ। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मैं बाकी मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको भी ऐसे ही गाइड करती हूँ कि हमारा जो भी एक इनकम होता है ना, उसके प्रपोर्शन में ही हमारे एक्सपेंसेस हम प्लान करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमारा इनकम है सपोज 20,000 रुपये और हमने सोच लिया कि चलो अपन अब घर लेते हैं और उसका ईएमआई आ रहा है 50,000 रुपये, और हमने जंप कर लिया कि हाँ चलो ये घर अच्छा लग रहा है तो अपन ले ही लेते हैं। हम ये देखेंगे ना कि क्या वो ईएमआई को हम कर पाएंगे, भर पाएंगे, है ना। उसी तरीके से अगर सपोज किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपीज है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जस्ट 1,000 या 2,000 रुपए का घर किराए पे लेगा, तो सॉरी मतलब रेंट पे लेगा, या ऐसा कुछ कि इतना लो इस पे लेगा कि ईएमआई उतनी कम आएगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो इस तरीके से रहता है कि जो हमारा एक इनकम लेवल रहता है उसी के हिसाब से हम अपने एक्सपेंसेस प्लान करते हैं और उसी के हिसाब से हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, क्योंकि इनकम में ही ये दोनों प्रपोर्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट वाला भी और एक्सपेंस वाला भी। तो होता क्या है कि थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ होती है, प्लानिंग में गड़बड़ हो जाती है लोगों की, मतलब थोड़ा सा असेसमेंट उनका गलत हो जाता है या सही तरीके से वो नहीं एज्यूम कर पाते, एनालाइज कर पाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे इनकम आपकी आई और आपको जो आपके जरूरी वाले एक्सपेंस थे वो आपने किए, उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यूपीआई एप्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अभी तो कैसा हो गया, स्मार्ट मनी हो गया है, कोई भी हार्ड कैश लेके नहीं घूमता, बहुत कम लोग हार्ड कैश यूज करते हैं, तो जहां पे भी जरूरत पड़ी सीधे गए, स्कैन किया और काम हो गया, या कार्ड स्क्रैच किया और काम हो गया। तो उसमें क्या होता है कि हम ऐसा करने में हम थोड़ा सा सिस्टम से या मैनेज करके नहीं चल पाते हैं और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब हमने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हमें कितनी इनकम हमारी आई और हम क्या क्या एक्सपेंसेस करें। जैसे पहले के जमाने में अगर आपको याद हो, हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा, मतलब मेरे यहाँ तो आज भी मेरे जो मदर फादर है वो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में लिखा जाता है कि क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, और मंथ के एंड में देखा जाता है कि इस बार कितने एक्सपेंस ज्यादा हुए या कम हुए या प्रोपोर्शनेट हुए। अगर ज्यादा हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ में उन ये देख के कि अरे कहाँ ज्यादा हो गया, कुछ अननेसेसरी तो नहीं हो गया, तो करके उनको नेक्स्ट मंथ में आने वाले टाइम में मैनेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, उनके इन्वेस्टमेंट और सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं को आती है। तो मतलब कि हमें हमारे एक्सपेंसेस की प्लानिंग के ऊपर, उनके मैनेजमेंट के ऊपर उनको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या खर्चे कर रहे हैं और उसमें से कहीं कोई अननेसेसरी खर्चा तो नहीं है, उसे मॉनिटर करना बड़ा एक ज़रूरी है। पर इसमें एक और चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट तो प्लान हो जाता है कि मुझे 50,000 इन्वेस्ट करना है, मुझे 20,000 करना है पर मंथ, या मेरे पास एक लमसम 5 लाख का अमाउंट आ गया, मुझे वो करना है, पर मैं मेरे एक्सपेंसेस को कैसे प्लान करूं? हाँ, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान करूँ इसका भी मतलब अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट करते समय एक होमवर्क करना पड़ता है, वैसे
वैसे एक्सपेंसेस करते समय भी होमवर्क करना जरूरी है, जो बहुत लोग नहीं करते, स्पेशली जो एकदम यूथ है, जो यंगर जनरेशन है, कि जो बस अभी 20-22 साल के, अभी कॉलेज से पढ़े, कैंपस में अच्छा प्लेसमेंट लग गया, बढ़िया पैकेज लग गया, और फिर उसके बाद एकदम फ्री सारे एक्सपेंस करने के लिए, तो वो तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनका वो क्रेडिट कार्ड वाला भी लिमिट खत्म हो जाता है, वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है, और फिर कोई सीमा ही नहीं रहती है, इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो हमें एक्सपेंस का भी प्लानिंग करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। वो होमवर्क कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें अपने गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, फिनेंशियल गोल्स, कि हम आगे आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हैं। अगर कोई बहुत यंग पर्सन है तो वो ये भी सोच सकता है, उसका गोल ये भी हो सकता है कि मुझे आगे आने वाले 5 साल में अपना बिजनेस सेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस मुझे ये कैपिटल लगेगा, तो क्या मैं इतना मेरे पास है, अगर नहीं है तो क्या मैं इसका प्रोविजन कर सकता हूँ, टाइप ऑफ। तो इस तरीके से जो भी, सबसे पहले आपके गोल्स डिसाइडेड होने चाहिए। गोल्स क्यों डिसाइडेड होने चाहिए? क्योंकि अगर गोल्स डिसाइडेड होंगे तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा गोल किसको प्रायोरिटाइज करना है और किसको नहीं, क्योंकि गोल्स तो सबके बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट हम सबके लिए एक साथ प्रोविजन नहीं कर सकते ना। और दूसरी चीज, जैसा हमारा इनकम होगा उसी हिसाब से वो प्रोविजन, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे अपने गोल्स के लिए, वो उसी प्रोपोर्शन में होगा। तो अगर हो सकता है किसी के 5 गोल्स हैं तो वो 5ों के लिए प्रोविजन करने इतना अमाउंट सफिशिएंट उसके पास नहीं होगा, तो वो क्या करेगा कि वो प्रायोरिटाइज करेगा कि कौन से गोल को के लिए मुझे पहले प्रोविजन करना है, कौन सा गोल मुझे पहले कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला, अगर आपने गोल शीट आपकी बना ली है, आप क्लियर हो कि हाँ मुझे क्या क्या अचीव करना है, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके एक्सपेंसेस को प्लान करने में। अब एक्सपेंसेस को प्लान कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो जैसे मैं सबको बोलती हूँ, मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को भी मैं बोलती हूँ कि आप अपनी इनकम लिखो किसी भी एक्सेल शीट में, पेपर पे, डायरी में, जहाँ पे भी आपको कंफर्ट लगता है, हर महीने की इनकम लिखो, और इसको आप डिसिप्लिन वे में करो, है ना, कि आपको एवरी मंथ जो भी आपकी इनकम आ रही है वो आपको लिखनी है, और आप क्या एक्सपेंसेस कर रहे हो वो आपको लिखना है। वो एक्सपेंसेस जो आप लिख रहे हो वो वाले एक्सपेंसेस है जो आपको हर महीने के महीने करने ही है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। लाइक आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ही है, EMI देनी ही है, या अगर आपका रेंटल हाउस है तो आपको रेंट देना ही है, टाइप ऑफ ग्रोसरी आपको लेनी ही है, इस टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं जो आपको पता है कि हाँ ये फिक्स्ड है, तो ये आप सारे देखो, एक अंदाजन अमाउंट कैलकुलेट करो कि जनरली हर महीने कितना रहता है। अब अगर आप ऐसा हर महीने करोगे ना तो आपको एक 3-4 महीने में अंदाजा लग जाएगा कि हमारा इस चीज पे कितना स्पेंडिंग होता है। उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट बचता है उसको आप 2 चीजों में डिवाइड करो। पहले आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप प्लान करो उससे कि हमें आने वाले हमारे जो गोल है, कि जो भी ये XYZ गोल है इसके प्रोपोर्शन में हमें आज से कितना इन्वेस्टमेंट पर मंथ या पर क्वार्टर या एनुअली हम लोग प्रोविजन बना सकते हैं उसका, उस हिसाब से आप वो स्टार्ट करो। एंड फिर उसके बाद जो बचता है फिर वो उसको आप अपने शौक के लिए ले सकते हो। लाइक देखो, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि लाइफ दोबारा नहीं मिलती है, जो भी है हमको हमारे शौक भी पूरे करने हैं, हमें इंजॉय भी करना है, हमें ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये सोच के करो कि लाइफ दोबारा जैसे नहीं मिलती है वैसे ही अर्निंग वाली एज भी दोबारा नहीं आएगी। आज जो हम, जब तक हम फिट है, जब तक हम अर्न कर सकते हैं, एक्टिवली काम कर सकते हैं, तभी तक हम अर्निंग कर सकते हैं। आज जो हमारे पेरेंट्स का टाइम था तो हमारे पेरेंट्स, मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आज जब वो उनका वो एक्टिव एज पूरा हुआ उसके बाद नेक्स्ट मंथ उनको पेंशन मिलने लग गया, क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन है? नहीं है। तो हम कैसे उस टाइम पे सर्वाइव करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमें अपना एक कॉर्पस क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। जब तक हम अपना कॉर्पस क्रिएट नहीं करेंगे हम कैसे अपने आने वाले एक्सपेंसेस को प्लान करेंगे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज में तो जिए लेकिन आज के साथ साथ हम कल के भी सोच के रखें और उस हिसाब से भी प्लानिंग करें। तो जैसे इन्वेस्टमेंट हम अपने प्लान करें वैसे एक्सपेंस भी प्लान करें, तो कहीं कुछ अननेसेसरी एक्सपेंस तो नहीं हो रहे वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अननेसेसरी हो रहे, अच्छा ये सारी एक्सरसाइज आप करेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अननेसेसरी कहाँ एक्सपेंस किए। आप एक 6 मंथ्स ये कंटिन्यू प्रैक्टिस रखो, आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो हम ज़रूरी नहीं था, ये हम ऐसे ही ले आए,
ये नहीं भी लाते तो चलता, ये वाली कॉस्ट हम बचा सकते थे। अगर हम सपोज करो 4 बार जा रहे हैं मंथ में, हर संडे जा रहे हैं बाहर, हम उसकी जगह हम 2 संडे जा सकते थे, तो 2 संडे हम एटलीस्ट जो वो वाला कॉस्ट है उसको हम बचा लेते और हम कुछ और उसमें प्लान कर लेते। तो टाइप ऑफ हर किसी का अलग अलग हो सकता है, कहाँ कौन कैसे कॉस्ट कटिंग करना चाहेगा। तो थोड़ा कॉस्ट कटिंग करना जरूरी है, आप करोगे तभी आप अपने गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर पाओगे। बराबर। और ये चीज़ें ऐसी चीज़ कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप आपके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन ना करें या फिर आप आपके सारे शौक खत्म कर दें, वो चीज़ नहीं है। बस आपको ये चीज़ें लिखने से, ये चीज़ें रिव्यू करने से ये पता पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ये जो 10 एक्सपेंस मैंने किए हैं, इन 10 में से क्या ये 2 एक्सपेंस ऐसे थे जो मैं अवॉइड कर सकता था, या मैंने इसे बिना किसी वजह के ये एक्सपेंसेस मैंने कर दिए। इसमें एक और चीज़ होती है दीप्ति जी, कि कई लोगों की एक ये प्रॉब्लम होती है कि एक साथ एक मंथ में उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे आ जाते हैं, तो वो उन खर्चों को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। फिर या तो वो कोई पर्सनल लोन ले लेते हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों से कुछ उधार मांग लेते हैं। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए? इस चीज़ को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको ईयर के स्टार्टिंग में आप, या जब भी आप, जैसे आज से भी आप शुरू कर रहे हो, तो नेक्स्ट आने वाले ईयर के लिए आपके ऐसे कौन से बड़े बड़े और ज़रूरी खर्चे हैं, वो भी आप एक साइड लिखिए अपनी डायरी में या एक एक्सेल शीट पे लिखिए कि लाइक आने वाली आपकी जैसे कोई एनुअल प्रीमियम्स है, आपकी EMIs है, बच्चों की फीस है, ऐसे खर्चे जो कि अनअवॉइडेबल है और जो आते ही है और जो आपको देने ही है, ठीक है। तो ये सारे आप उनको लिखिए और उसका एक एस्टिमेटेड अमाउंट देखिए कि ईयरली कितना होता है, और फिर उसको आप थोड़ा सा मंथली बेसिस पे डिवाइड कीजिए, मंथली या क्वार्टरली जैसे भी आपको डिवाइड करना हो, जिसके फ्रिक्वेंसी से आपका वो एक्सपेंस आता हो, उस हिसाब से आप डिवाइड करके उसका प्रोविज़न करना शुरू कीजिए। तो एक तो ये है कि हम एग्जिस्टिंग इनकम में से वो प्रोविज़न करना शुरू करें इन द वे ऑफ, कुछ लोग RD बना लेते हैं, कुछ लोग SIP कर लेते हैं कंजर्वेटिव फंड्स में। तो उससे क्या होता है कि जब भी फिर वो प्रीमियम या वो EMI या कोई भी वो बच्चों की फीस या ऐसा बड़ा एक्सपेंस आता है, तो वो उस टाइम पे हमने वो ब्रेक किया जो हमने उस प्रोविजन को किया था, और वो हमने वहाँ से पे कर दिया। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, इस पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि अभी तो हम एक्टिव इनकम कर रहे हैं, इसलिए हम ये सब कर पाएंगे, SIP, RD और सब कुछ, है ना। आपको थोड़ा सा इसमें आगे के लेंस लगा के भी सोचना पड़ेगा कि जब हमारी एक्टिव अर्निंग नहीं रहेगी तब भी मेडिक्लेम के प्रीमियम्स तो रहेंगे ना। तो फ्यूचर के हिसाब से सोचो, और आज जो प्रीमियम आज आ रही है क्या वही आएंगी? नहीं, हमारी एज के साथ साथ वो मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो उस वजह से जो मेडिक्लेम कंपनीज है वो आज आपकी जो प्रीमियम आ रही है उसे डबल तिबल या पता नहीं और कितने गुना कर देंगी, क्योंकि उनको भी इन्फ्लेशन बीट करना होता है ना, वो भी सेम कॉस्ट पे आपको कैसे प्रोवाइड कर सकती है। तो इस टाइप के कुछ खर्चे के जो आगे आ सकते हैं आपको वो भी माइंड में रखने पड़ेंगे कि जब आपकी वो एक्टिव इनकम नहीं होगी तब आप उन खर्चों को कैसे करोगे, है ना। तो उस हिसाब से आपको अपना कोई एक इन्वेस्टमेंट इतना लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा। जनरली लोग क्या करते हैं, अभी कहीं इन्वेस्ट किया, फिर 3-4 साल में अच्छा प्रॉफिट दिखा, निकाल दिया। तो मैं हमेशा सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो कोई एक पैसा जो आपको ऐसा लगता है कि इसको आप छोड़ सकते हो लगा के, लंबे समय के लिए रखो। अगर आप इसको लंबे समय के लिए रखो और किसी ऐसी एसेट में रखो जिसमें कंपाउंडिंग बेनिफिट अच्छा हो, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, जैसे इक्विटीज में होता है, इवन गोल्ड वगैरह में भी होता है, प्रॉपर्टी में भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर एज पर अपना कंफर्ट और प्रेफरेंस जो भी एसेट क्लास आप चूज करते हो उसको रखो, उसको इतना लंबा रखो कि वो अच्छा खासा कंपाउंडिंग करके दे। तो सो दैट जब आपका वो एक्टिव एज निकल जाए और उस टाइम पे आपको इस टाइप के प्रीमियम्स भरनी पड़े या इस टाइप के अगर आपको कोई बड़े खर्चे करने पड़े तो उनको आप बहुत ईजीली कर पाओ। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगी कि जो भी व्यूवर्स है इसके, वो हर कोई अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या ऐसे कोई भी लोग जिनसे वो कंसल्ट करते हैं, उनके पास बैठे और उनको बताए
प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या आगे के फ्यूचर गोल्स है, कितने टाइम तक वो एक्टिवली वर्क कर सकते हैं ऐसा उनको लगता है, और किस किस हिसाब के प्रोविजन उनको आगे बनाने चाहिए। ये डिटेल प्लानिंग जब वो करेंगे तब उनको ये पता चलेगा कि हमें आज की डेट से एक्सपेंसेस अपने कैसे मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे के गोल्स दिखेंगे तो उस हिसाब से प्रोविजन दिखेंगे, तो वो फिर एक्सपेंस का प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे। बराबर, ये सारी चीज़ें सही है। आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि जब एकदम से एक महीने में इतने सारे खर्चे आ जाएं तो उसे कैसे हैंडल करना। फिर आपने ये भी चीज़ें बताई कि कैसे हम हमारे इनकम के प्रोपोर्शन में एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते जाते हैं, और एक इनकम के साथ साथ हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाता है, और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें हमारे खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन में हैंडल करने पड़ते हैं। तो दीप्ति जी, आज आपने बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये बताई, और आई एम श्योर जिन लोगों ने ये चीज़ देखेंगे सुनेंगे उनको अब ये पता पड़ेगा कि इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस को मैनेज करना भी कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसी इम्पॉर्टेंट की वजह से शायद इसे फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। तो आज के आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वापस जुड़ेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। तो आज के समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।